सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है गाइस सभी अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे गाइस। सो गाइस, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको मिलाता हूँ अपनी दीदी से। तो दीदी आ चुके हैं, पापा के साथ आए थे, तो पूछते हैं कितने बजे पहुँचे थे रात को। सो गाइस, मम्मी से मिलवा पहले। हेलो, कितने बजे पहुँचे मैं यार? साढ़े ग्यारह बजे। हाँ जी, रात को नहीं पहुँचे। तो फिर आपने आके खाना वगैरह खा लिया? खाना खाया आके फिर उसके बाद रेस्ट करने चले गए। तो गाइस अभी मिलते हैं अनुदीदी से। तो अनुदीदी को आपने देखा था ब्लॉग स्टार्टिंग में, जब मैंने स्टार्टिंग की थी ब्लॉग में, तभी आपको मिला था। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? मैं हूं लोकी सिस्टर। तो जो मेरे नए सब्सक्राइबर है उनको पता नहीं होगा, बाकी जो पुराने वाले सब्सक्राइबर है जिसके मैंने स्टार्टिंग किया था उनको तो पता है। तो गाइस, इनकी शादी हुई भी है हमीरपुर साइड। तो बाकी ये पहुंचे थे रात को। तो दीदी आपने खाया खाना आके? खाया, पर सफर से ना थोड़ा भूख कम थी तो थकान से, तो फिर दो चपाती खाई दूध के साथ। तो आपके कैसे वहाँ पे मौसम? मौसम यहाँ पे ठंडा है, वहाँ पे थोड़ी गर्मी है। लक्ष्य आते थे? गर्मी है ज्यादा बेचारा लक्ष्य। तो गाइस देखो, तो हमारा लक्ष्य बीमार हो गया गाइस, इसको ना रात को देखो तो कितनी एलर्जी हुई बेचारे को। मैं यहाँ पे भी देखो कितनी सारी एलर्जी हुई गाइस। तो ये ना रात कैसे हुआ लक्ष्य? खेलते हुए गिर गया था जहाँ पे वो पेड़ है ना, यहाँ पे खुजली वाले के। सो गाइस, जिसके बाद जो एक बाउडी के पास पेड़ है ना, मैं दिखाता रहता हूँ आपको काफी बार ब्लॉग में, तो उसमें ना खुजली वाले कीड़े होते गाइस। तो ऐसे बरसात में चले जाते हैं, बट इसको ना यार अच्छे इधर ऊपर घर के पीछे भी गए थे हमारे ना वो पेड़, तो उसकी वजह से जैसे गिरा ना मिट्टी में, तो मिट्टी में मिक्स हो गई उनकी धूल ना, तो बेचारा देखो तो पूरी रात में सोया भी नहीं, सो भी नहीं पाया ना पूरी रात में सोया। कितने हुआ होगा गाइस, देखो उसका इन्फेक्शन, पता इन्फेक्शन होता रहेगा, इतने लाल लाल से दाग हो गया ना यहाँ पे। तो अभी मम्मी ने क्या किया? मम्मी ने क्या लगाया इसमें? नमक और तेल। सो गाइस अभी नमक और तेल गया है इसके साथ में, इसको देंगे। अभी हमने खाना खिला दिया ना लक्ष्य को, सिट्रजिन देंगे इसको एलर्जी की दवाई, तो खाली पेट नहीं दे सकते थे ना, तो अभी खाना खाने के बाद खा लेगा, अभी इफेक्ट इसका फर्क पड़ जाएगा लक्ष्य देखो, ठीक है, ठीक हो जाएगा अभी। जलन तो तेज की आ रहा है ना बेचारा, बस ज्यादा ना लक्ष्य खारिश वगैरह के, क्योंकि जहाँ पे भी तू खारिश करेगा ना इस हाथ से वहीं पे शुरू हो जाएगा, और मुंह पे मत तल गई हो हाथ, थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, खारिश होती इससे बहुत, बाकी हो जाएगा तो ठीक है, अब दवाई खा के है ना, ठीक है, आराम से नहीं है। सो गाइस काफ़ी हो गया इसको तो यार, काफ़ी एलर्जी होगी इसको। सो गाइस कब्बू बना रही है खाना, और मैं थोड़ी इसकी हेल्प कर लेता हूँ, क्योंकि अभी पापा ने कुछ बताया नहीं खेत में काम करने के लिए, तो तब तक मैं कब्बू की हेल्प कर लेता हूँ। अनु दीदी क्या कर रहे हैं? आलू की सब्जी बना रहे हैं गाइस अनु दीदी, और मम्मी जाएंगे अभी ओपरे के पास, साथ में बड़ी दीदी भाई, इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है, आज तेज में वो काम पे लगा दिया, वो सब सुबह 6 बजे उठा दिया मेरे को गाइस। अपने घर में क्या शर्म होती है, कोई शर्म नहीं थी। सो गाइस कर लेते हैं काम, अभी चपाती वगैरह बनाते हैं और फिर दिखाते हैं ना दीदी कैसे सब्जी बनाते हैं, फिर ठीक है तब खाएंगे सब्जी, खाएंगे कितने महीने बाद लगी खाने, 5-6 महीने बाद गाइस, 5-6 महीने बाद खाना खाएंगे आज अनु दीदी के हाथ से सब्जी बनी हुई। तो अभी मेरे को भी खारिश होने लगी है देख के लक्ष्य को, होता है यार है ना जैसे, तो बेचारे को तो बहुत दिक्कत होती है गाइस, अगर थोड़ी सी भी एलर्जी हो ना तो लक्ष्य को तो बहुत ज़्यादा एलर्जी हुई थी, अगर थोड़ी हल्की सी भी मतलब कहीं धूल लग जाए ना उन कीड़ों की, तो इतनी खारिश होती है ना गाइस उससे, इतनी खुजली होती है शरीर में, इसके तो काफ़ी बुरे हाल हुए हैं। मुझे मेरे साथ कोई खेल लो, अभी तो नहीं लग से खारिश, ककड़े का गिरा है, ककड़े में या गर्दन में हो रही है, अभी बैठ के कुछ यार, सुबह बहुत ऐसे थे मतलब हैवी हैवी से दिख रहे थे, अब तो ठीक है, अभी तो गाइस ठीक हो रहे हैं दवाई से। हाँ खारिश ना करो लग से, उतना ही फैल गया, बाजू में भी होगी पता नहीं, बाजू में तो मैंने छुई भी नहीं, होते हैं ये हो जाएंगे, पर तेरी दवाई खा के ठीक है, यहाँ पे हो रहा है ना। तो गाइस ये देखिए मौसम तो खुल चुका है, थोड़ी देर पहले कैसे बारिश वाला मौसम था, तो अभी तो धूप निकल गई है, क्या लग रहा है शानू, धूप निकलेगी या बारिश होगी? रात में बारिश हो जाएगी है ना, कोई पता नहीं। फिलहाल हम रेडी हो चुके हैं शॉप पे जाने के लिए, तो अभी कब्बू रेडी हो रही है, बस जैसे कब्बू रेडी हो जाएगी फिर हम निकलेंगे शॉप पे, क्योंकि आज 9:30 हो चुके हैं, तो 10 बजे से पहले पहले हम शॉप पे निकल जाएंगे गाइस, तो फिर ठीक रहता है टाइमिंग। खाना वगैरह खा लिया हमने, तो मम्मी धोने जा रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं मम्मी? अब दराटी तेज करनी, घास
पहले बर्तन धो दो। तो गाइस लक्ष्य भी आज अपने घर जा रहा है, बट लक्ष्य का मन नहीं है, तो मासी कह रहे कि इसका नाम कट जाएगा स्कूल से अगर ज़्यादा छुट्टी कर लेगा। तो अभी कितने दिन हुए लक्ष्य? चार दिन हुए गए, जब भी तो स्कूल खुले हुए, तो क्या पता कट जाए, डर रहे ना। तो जा रहे हैं आज मासी और लक्ष्य और शानू घर को, बट लक्ष्य का मन नहीं है गाइस। तो लक्ष्य भी कह रहे फ्री फायर ले, करंट लगे चार्जिंग पे, धो रही है बर्तन और मम्मी कर रहे हैं दराटी को पहना। कहाँ जाए, इससे जाने मम्मी आप? बहुत दूर जाने हैं, काफ़ी दूर जा रहे गाइस। सो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि शानू से टेस्ट करवाते हैं करंट की है या नहीं है। शानू इस पॉइंट पे टच करो, यहाँ पे लगा था मेरे को करंट इस पॉइंट पे मैंने, जैसे मैं बारिश हो रही थी ना तो मैं आया ना जहाँ से यहाँ पे कूड़ा फंसा हुआ था इस जगह पे, जैसे पाइप है ना गाइस, यहाँ से कूड़ा क्रॉस होता, पानी क्रॉस होता है तो कूड़ा फंसा हुआ था। तो मैं आया, मैंने जैसे लाइट ऑन की, ये वाली लाइट ऑन किया ना, तो मैंने इसको टच किया, जिसमें कोई वायर में कट लगा हुआ होगा, तो जैसे अर्थ पकड़ लिया होगा है ना चादर ने, तो वो टच किया मैंने, वैसे चिपक गया मेरे, पूरा बुरे हाल हो गए थे मेरे। सो गाइस मेरा तो बुरा हाल हो गया था गाइस, इतना करंट था ना, अभी टेस्ट पेन होता तो मैं चेक करवाता आपको, बट अभी नहीं करवाएंगे हम, क्योंकि हम तो डर चुके हैं बहुत ज़्यादा। गाइस अभी चलते हैं यार शॉप पे, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, सो हमको तो लगता है कि आज फिर से हम लेट हो जाएंगे। और एक जो हमारे पास सीखने के लिए आए हुए हैं, काम सीखने के लिए आए कब्बू के पास ना दी, तो वो भी हाँ मैं ही करता हूँ खुद, हाँ ब्लॉग तो खुद करना पड़ता है, खुद को पता होता ना काम पर। सो गाइस वो ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाते फिर, तो वो भी कल थोड़े लेट थे, बट हम कल जल्दी थे। जिस दिन हम जल्दी होते हैं वो लेट होते हैं, जिस दिन वो लेट होते हैं हम जल्दी होते हैं। लक्ष्य को बाय कर लेते हैं, आप लोग भी बाय कर लो लक्ष्य को, बाय गाइस, अभी अब मिलेंगे। सो गाइस अभी मिलेंगे नेक्स्ट छुट्टियों में है ना, तो जल्दी से हमारे 1K सब्सक्राइबर गाइस कंप्लीट करो। सो गाइस जल्दी से हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ, फिर उस जब हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए फिर उस ब्लॉग में आप लक्ष्य को फिर से देखोगे मेरे साथ। बाकी आप कमेंट में बताना कि लक्ष्य को कौन सा चैनल शुरू करना चाहिए गाइस, ब्लॉगिंग का या गेमिंग का। गेमिंग में इसका ज़्यादा इंटरेस्ट है, बट गाइस आपको पता है गेमिंग में अभी इतना वो है नहीं, तो ब्लॉगिंग का कर सकता है शुरू, तो बताना आप कमेंट में, ठीक है। तो चलो गाइस अभी चलते हैं शॉप पे, बाय मासी, बाय बाय शानू, बाय बाय गाइस। तो ठीक है गाइस, ओके चलो, ऐसे हम आधे रास्ते में पहुंचे तो अनु दीदी के देखो, अनु दीदी स्कूटी के ओनर, तीन पत्ती टाइम पास कर, तो गाइस स्कूटी के ओनर है अनु दीदी, देख रहे हैं चलानी नहीं आपने कभी, अरे कोई नहीं तब आप कल चला लेंगे अनु दीदी स्कूटी को, अपनी स्कूटी अपनी होती है गाइस, अपनी गाड़ी अपनी होती है। तो गाइस अभी हम निकलते हैं चलो। तो गाइस आज थोड़ा मौसम साफ है तो एक्टिवा ठीक है, बट सड़क जो है गीली है काफ़ी ज़्यादा। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं कुमारटी, तो चलते हैं शॉप पे। सो गाइस मैं आपको एक यूनिक सी चीज़ बताते हैं, सो देखिए गाइस यहाँ पे देखो कैसे बेल चढ़ाई है। ये देखिए बेल चढ़ाने के लिए स्पेशली बंदे ने बाइक लगाई हुई है, पूरी दब गई है। देखो गाइस फाइनली हम शॉप से घर पहुंच गए हैं, तो ये देखो किचन में अनु जी बना रहे खाना, और कप्पू क्या कर रही, कप्पू गप्पर मार रही है, रोटियां कप सेक रही है और पिया करवा रही है अपनी हेड मसाज दादी से। यहाँ पे क्या जो उल्टा हो रहा है करनी चंपी, हाँ ऐसे तो करनी चाहिए दादी की, करवा रही पिया तो सुबह पिया के बाल ना चले क्यों बोलना, और मम्मी के सुबह मम्मी के देखो क्या हो गया पैर में, कैसे देखो ये कैसे हुआ मम्मी, जूतों से हुआ कल, जूते टाइट थे तो डाल के हो गया। सो गाइस दीदी का हमने देखो वापस दे दिया है, अन दीदी भूल गए थे यहाँ पे, अन दीदी का कितने साल हो गए दी इसको, दो साल हो गए ना, ठीक चलाता है तो सही चलता है गाइस, तभी थोड़ा हाँ गिफ्ट की दे जीजू ने दिया था। सो गाइस जीजू ने गिफ्ट दिया था अनु दीदी को, तो अन दीदी अभी तक रखा है संभाल के, 2 साल हो गए। सो गाइस अभी खाना कितना सारा बनाने को,
सात आठ चपाती रहती है अभी खाने में। तो आज हमने सब्जी पता कौन सी बनाई दिखाता आपको, घिया की बनाई कोफ्ते। सो गाइस ये देखो कोफ्ते बनाए हुए, इतने टेस्ट होते ना गाइस खाने में। अभी हमने चाय के साथ खाया ना, अनु दीदी ने सूखे सूखे रखे हुए थे तो चाय के साथ खाया, इतना मजा आ गया खाने का, टेस्टी थे। सब्जी भी अनु दीदी ने बनाई हुई, बट मैं बता रहा हूँ कि जो हमने चाय के साथ सूखे सूखे कोफ्ते थे ना गाइस, तो हमने चाय के साथ खाए वो काफी टेस्टी थे, काफी मजा आ गया गाइस। आपने क्या किया? मैंने कद्दूकस करा, इसको क्रिशा है, छुल्ला है, प्याज कटे हैं, टमाटर कटे हैं। दादी ने भी काफी ज्यादा हाथ बटाया गया। चलो गाइस खाना वगैरह खा लेते हैं अभी ना, अगर लिंक लुंक होगा कोई कबो। सो गाइस ये देखिए नारियल तोड़ते हुए यूट्यूब पर नारियल, आज कल नहीं, आज नहीं कल आ इनका करवा चौथ है, तो उसके लिए एडवांस में ही तैयारी हो रही है। काफी बड़ा था गाइस, काफी नारियल निकला इसमें से। दादी मीठा था जी, तब ना खाओ कैसे करें मीठा था दादी का। गाइस काफी टेस्ट होता है खाना, गाइस नारियल तो हमने खा लिया, काफी टेस्टी था, काफी मीठा मीठा था। आंटी कैसा लगा आपको? बहुत टेस्टी, टेस्टी था ना, मीठा है। सो गाइस इसको फाड़ने की बहुत मेहनत होती है, वही तो इसको मैं चबा चबा के खा रही थी, इतना मैं जोर लगाया ना उसने चबा के खाया। दादी के तो चबाए नहीं जा रहा है, दादी के चबाए जा रहे हैं, दादी को चबा के दे दो गाइस, दादी को चबा, दादी मैं देता हूँ चबा के, चबा के दे देता हूँ आपको। दादी बच्चों आगे गुरादा देना उसका। वही तो। So guys, इसी के साथ आज के ब्लॉग को फिर यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आप लोग हमारे साथ जुड़ जाए हमारे डेली के ब्लॉग देखने के लिए। बाकी आपके साथ मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, रखिएगा अपना ध्यान, सबको गुड बाय, सबको बाय।